आंटी जी क्या हुआ है और अभी कौन फंसा है आपके यहाँ पर जो मलबे के बीच में है? मेरी बहन बोले। कब हुआ था हादसा और क्या हुआ है यहाँ पर? कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम तो अभी आए, कोई पता नहीं हमको क्या हुआ हो, कहाँ का घोड़ा भर गया मेरी। तो क्या सरकार से क्या मांग करते हैं आप अभी जो रेस्क्यू चल रहा है अभी? वो मेरा कोई मांग हमने घर के मांग मांगनी कोई नहीं। हाँ हाँ। कांगड़ा की बोह घाटी जलत्रासदी के बाद रुदन की गूंज से अपनों को पुकार रही है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है, मगर अब तबाही के इस ढेर में जिंदगी के मिलने की आस खत्म होती जा रही है। जलत्रासदी में अपनों को खो चुके परिजनों की आंखों का पानी रो रो कर सूख चुका है। अपनों को देखने के लिए बिलखते परिजनों के लिए जयराम सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा कर दी गई है, मगर परिजनों का कहना है कि हम सरकार से क्या मांग करेंगे, अब अपने तो चले गए। इन दिल्ले में बीते क्या, तो क्या मांग करते हैं अब? भूआ से क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हमने कुछ नहीं लेना, बात आदमी नहीं लेता सरकार से क्या लेना। त्रासदी के पहले दिन सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के चलते रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने में दिक्कतें आ रही थी, मगर हेलीकॉप्टर या फिर कुछ भी करके अगर मौके पर उसी समय रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाती तो शायद मलबे के ढेर से निकल रही सांसों का आंकड़ा शवों के आंकड़े से कम होता। भारी भूस्खलन से दर की पहाड़ी के नीचे दबे 15 लोगों में से 5 लोगों को उसी दिन सुरक्षित निकाल लिया गया था और उस दिन के बाद अभी तक कोई भी मलबे के ढेर के नीचे जिंदा नहीं मिल पाया है। मंगलवार को रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में जुटी टीमों ने 5 और बुधवार को 3 शव मलबे के नीचे से निकाले। मलबे में दबी मस्तु देवी 40 वर्षीय, शकुंतला देवी 60 वर्षीय, ममता 21 वर्षीय, कार्तिक 16 वर्षीय, शिव प्रसाद 30 वर्षीय, कांचना देवी 45 वर्षीय और भीमसेन 45 वर्षीय और शबनम 18 माह की बच्ची का शव बरामद किया गया है। अब कुल 15 लोगों में से 2 लोग लापता चल रहे हैं।